सूचना का अधिकार एक्ट 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग अर्थात सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और इस परिषद में 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता होता है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1862 ईस्वी में लागू की गई थी। यह भारत में किसी भी नागरिक या व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों को परिभाषित और दंड का प्रदान करती है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया गया नारा है। बुद्ध और उनका धर्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार भीमराव अंबेडकर जी हैं। स्प्रिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद तथा उपन्यासकार थे। उनकी पुस्तक द स्प्रिट ऑफ लॉज का प्रकाशन 1748 ईस्वी में हुआ। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के लेखक लेनिन हैं। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। लॉज के लेखक प्लेटो हैं। स्प्रिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। रूसो फ्रांस का एक राजनीतिक विचारक एवं दार्शनिक था। वह अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत देते हैं। रूसो प्राकृतिक मानव को सभ्य एवं शांतिप्रिय बताते हैं। भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल 2 सदनों में मिलकर बना है, विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में कुल 6 राज्यों बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। प्रश्नकाल में केवल उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं थी। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को भी 31 अक्टूबर 2019 से समाप्त कर दिया गया है।